साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ किरमानी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि वो एक तवील अरसे से नवाज शरीफ की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से खुद को दूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका मजीद कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, खुश आमदी टोला सब अच्छा है कि गर्दान कर रहा है, मियाँ साहब सब अच्छा नहीं है। आसिफ किरमानी ने मजीद कहा कि वो जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। आसिफ किरमानी को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2013 में अपने दौरे हुकूमत में अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था। वो साबिक वजीर आजम के करीबी साथी समझे जाते थे और 2013 में पार्टी के इक्तदार में आने से पहले मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम के दौरान उन्होंने फाल किरदार अदा किया था। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी डॉक्टर आसिफ किरमानी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने का ऐलान कर दिया है। कहा कि वो तवील अरसे से नवाज शरीफ की क़यादत वाली पार्टी के सियासी मामलात से खुद को दूर कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनका मजीद कहना था कि लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, खुश आमदी टोला सब अच्छा है कि गर्दान कर रहा है, मियाँ साहब सब अच्छा नहीं है। आसिफ किरमानी ने मजीद कहा कि वह जल्द ही पार्टी छोड़ने के अपने फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे। आसिफ किरमानी को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 2013 में अपने दौरे हुकूमत में अपना पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुकर्रर किया था।